He's six. ये बात है 1989 की, जब इंडिया और पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा था। 16 साल का सचिन तेंदुलकर, घुंघराले बाल वाला बच्चा। लोग कहते थे कि मुर्गी को भेड़ियों के आगे डाल दिया, और भेड़िए कौन, वकार यूनस, वसीम अकरम, इमरान खान। और पिच के ऊपर लंबी लंबी घास थी, क्योंकि इमरान खान ने बोला था कि हिंदुस्तानियों को हराना है, और लंबी घास के ऊपर पिच काफ़ी फास्ट हो गई थी और बॉल स्ट्यू करके जा रही थी। और बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि पहला टेस्ट मैच हुआ और सचिन तेंदुलकर आउट ऑन 0 और 7। सेकेंड टेस्ट मैच तेंदुलकर आउट ऑन 12। थर्ड टेस्ट मैच सेम हैपन्स, लेकिन फोर्थ टेस्ट मैच हुआ सियालकोट में। सियालकोट में पूरी हरी पिच, जहां ये भी पता नहीं लग रहा था ग्राउंड कौन सा है और पिच कौन सी है। पिच पर घास ही घास थी। और पांचवें टेस्ट मैच में इंडिया की बुरी हालत थी। 1 से 1 दिग्गज बल्लेबाज आउट हुए जा रहे थे और इंडिया का स्कोर था 25/5। और पिच पे नवजोत सिंह सिद्धू बैटिंग कर रहे थे, और रवि शास्त्री के आउट होने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू देखते हैं कि सामने से तेंदुलकर चला आ रहा है पिच की तरफ। और सिद्धू सोचते हैं, अब जब ये दिग्गज से दिग्गज बैट्समैन नहीं टिक पाए तो ये तेंदुलकर क्या कर लेगा, क्योंकि सामने वकार यूनस, वसीम अकरम जैसे बॉलर्स थे जिनकी बॉल हवा से भी तेज थी। और सिद्धू गए तेंदुलकर के पास, शाबाश शाबाश तेंदुलकर जमकर खेलना। और पहली गेंद आई और तेंदुलकर की साइड से गई, और वकार ने तेंदुलकर को घूर कर देखा, और वकार की बॉल की स्पीड भी 150-160 के करीब थी। अगली बॉल पे वकार ने बाउंसर फेंकी और बॉल 170 की स्पीड पे तेंदुलकर की नाक पर जाके लगी, जैसे आटे की बोरी गिरती है ना और थपैक से ऐसी आवाज़ आती है। ऐसी ही आवाज़ आई जब तेंदुलकर की नाक पर बॉल लगी, और सिद्धू ने सोचा आज तो गया छोरा। और सिद्धू ने तेंदुलकर के पास जाकर देखा, और वो क्या देखते हैं, नाक से खून निकल रहा है, तेंदुलकर की शर्ट भी ब्लड से लथपथ है, और सारे आसपास ओए ओए चिल्ला रहे हैं। और ऑडियंस भी डर गई है और बोल रही है कि इतने छोटे बच्चे को तो इंटरनेशनल क्रिकेट में खिलाना ही नहीं चाहिए। तेंदुलकर की हालत ख़राब है, आंखें काली पड़ गई हैं और ब्लड ही ब्लड तेंदुलकर के ऊपर। और तेंदुलकर को सिद्धू ने बोला कि तू वापस पवेलियन जा और आराम कर, और ऐसे बोलकर सिद्धू वापस अपने स्ट्राइकर की तरफ जाने लगे। लेकिन तभी सिद्धू ने एक आवाज़ सुनी, और सिद्धू के रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने वो आवाज़ सुनी जिसमें तेंदुलकर उठा, रुई नाक से लटक रही है, खून बह रहा है, और जो वहाँ डॉक्टर थे उन्हें तेंदुलकर धक्के मार रहा है और बोल रहा है मैं खेलेगा मैं खेलेगा। और ये सुनकर सिद्धू के अंदर से भी आवाज़ आई, और सिद्धू मन में ही बोले कि सिद्धू तू 3 सेंचुरीज बना चुका है इस टूर पे, और तू फिर भी डर रहा है, इस बच्चे को देख, ये 16 साल की उम्र में अपने देश के लिए लड़ने की सोच रहा है, अनबिलीवेबल। फिर सिद्धू वापस गए तेंदुलकर के पास और बोले तेंदुलकर आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बॉस। और तेंदुलकर बोला वी डोंट हैव टू बी प्राउड, हमें ये मैच नहीं हारना है, हम ये मैच किसी भी कीमत पर नहीं हार सकते, हमारे देश की इज्जत दांव पर लगी है। सिद्धू और तेंदुलकर खेलने लगे और यॉर्कर आई, और तेंदुलकर ने उस हालत में भी 160 किलोमीटर की स्पीड से आ रही बॉल को मारा, और बॉल गई बाउंड्री की तरफ, और वकार ने तेंदुलकर को घूरा, और तेंदुलकर गया वकार के पास और बोला ए उंगली कटवा, क्योंकि वकार की एक उंगली कटी हुई थी, कि तू मक्खन है मक्खन। और सिद्धू सोचे वाह भाई वाह, इसने तो वकार को ठोक दिया। और तेंदुलकर ने उस ओवर में 2 बाउंड्रीज मारी, और स्टेडियम में तेंदुलकर को लोग भी देखकर दंग रह गए कि क्या बंदा है। और फिर नवजोत सिंह सिद्धू 97 नॉट आउट, और सचिन रमेश तेंदुलकर 67 नॉट आउट। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने कमजोरी को ताकत में तब्दील किया, और इस मैच में उसी दिन के बाद एक चैंपियन हमारा मास्टर ब्लास्टर का जन्म हुआ, और इस दिन के बाद की कहानी तो हम सभी को पता है। दोस्तों, उस दिन तेंदुलकर ने इंडिया को हारते हुए मैच को भी जिता डाला था। दोस्तों, आपको सचिन तेंदुलकर कैसे लगते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको सचिन तेंदुलकर के पहले
पहले मैच की ये कहानी कैसे लगी ये भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।